हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है शरीम खान और मेरा नाम है सागर। और आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, और आप सभी की रिक्वेस्ट की वजह से आप सभी बहुत कमेंट करके बता रहे थे जो हमने जो BTS के एक सॉन्ग का रिएक्शन दिया था ऑन काइनेटिक का, तो वहाँ पर बहुत से लोग बोले थे कि भाई तुम्हें कोरियन गर्ल्स का कभी रिएक्शन देना चाहिए, आपका रिएक्शन अच्छा है। तो उसके लिए पहली बार थैंक यू, एंड सेकेंड अब हम आपके लिए इसका रिएक्शन ले आए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यार, और हमारा उस वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तो इस वीडियो पे भी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो हम आगे और भी आपके रिएक्शन ऐसे लाते रहेंगे। yes, बस आप हमें सपोर्ट करें गर्ल्स के ऊपर। हाँ वेल, कोरियन के तो वहाँ पर तो बहुत सारे बैंड्स थे। जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली मुझे ज्यादा पता नहीं था के पॉप के बारे में। मेरी फर्स्ट टाइम था जब मैंने BTS का रिएक्शन दिया हमारा। yes. हमने फर्स्ट टाइम था, अभी हमारा सेकंड टाइम है जब कोरियन गर्ल्स पे देने जा रहे हैं। वेल ये फर्स्ट ही है कोरियन गर्ल्स। कोरियन बॉयज के भी और गर्ल्स के भी बहुत सारे बैंड्स, बहुत से बैंड्स है वहाँ पर। और जो 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 वहाँ पर जो इनके जो एक लीड एक्ट्रेस वो है परफॉर्मर नैन्सी, वो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। आपने नैन्सी मोमोलैंड, मोमोलैंड इनकी ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम है। जैसे BTS है ना, ग्रुप का नाम 7 ग्रुप का, तो ये 8 ग्रुप का गर्ल्स का नाम है मोमोलैंड। तो जो उनकी जो मेन कैरेक्टर है नैन्सी, तो वो आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है, और सब जगह इनके पोस्ट मोस्ट सब इस लड़की बोले कौन है ये लड़की, इतनी क्यूट लगती हैं। वेल ज्यादातर वहाँ के लोग ज्यादातर क्यूट ही लगते हैं, लाइक एनिमे टाइप के। हाँ, हर बार टाइप के बोले। वैसे हम एनिमे का भी करते हैं, हमारे पेज जाकर देख सकते हैं। बनाते जैपनीज एनिमे लेकिन लगते कोरियन है, ज्यादातर कोरियंस की हाइट वगैरह वैसे नहीं, तो छोटी सी। हाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछा था अपनी पिछली वीडियो में, तो एक बंदे ने मुझे बताया था कि वहाँ पर वहाँ का एक लॉ होता है, वहाँ का कल्चर होता है कि वो शेव करके रहना होता है, तभी वहाँ पर और पता चलती है। और धीरे धीरे हमें ऐसे रिएक्शन नहीं जाऊंगा, तो आप इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हमें भी, और आपसे और हम आपको भी बताते रहेंगे, तो उसके लिए पहले से सब्सक्राइब करते हैं। और आप हमारी ऑन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो काइनेटिक मेफिस्टो जो ऑफिशियल सॉन्ग था BTS का न्यू, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग था, क्या परफॉर्मेंस थी माइंड ब्लोइंग। तो वो आई बटन में शोर होगा, आप जाके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब सो मैं तो ये नैन्सी के लिए देखने वाला हूँ वो लैंड, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादातर लोग की रश्मती जा रही है वो, और इसकी भी है। और तो पहले देखते हैं, बाकी सारे डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे। सो लेट्स प्ले नैन्सी। गाना भी गा रही है, बोल भी रही है। कैमरा वाले को भी क्रश आ गया था। ये इन्हीं को फोन कर रहे हैं। या क्या बात, लोग कितना पागल है, उनके पीछे पे चल रहा है। पूरे पार्टी ऐसे ही लग रहा है, मन को लग रही है ये बहुत ही अच्छी है। Oh.
और कोई भी चीज नहीं है। क्या बात है, अमेजिंग यार। गाइस आप सभी ने देखा कितना अमेजिंग डांस था और या फिर ब्यूटीफुल डांस, ब्यूटीफुल, और इनका डांस बहुत क्यूट लग रहा था। हाँ। वैसे जैसे बीटीएस का तो वो एकदम एनर्जेटिक लग रहा था। हाँ। इनका बहुत क्यूट लग रहा था, इनके एक्सप्रेशन भी बहुत कमाल के थे। हाँ, इनके फैंस कितने ज्यादा परेशान हो गए, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। अरे इन्हें पता नहीं, अगर ये कभी इंडिया आए ना तो इन्हें तो पता चलेगी इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। गाइस बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह इनके फेक अकाउंट्स इतने सारे बने हैं ना, बहुत ज्यादा, और उनके कितने ज्यादा हजारों फॉलोअर्स हैं। ये जो केपॉप जो बैंड्स होते हैं ये कोरियन के, उनकी पॉपुलैरिटी सच में बहुत ज्यादा यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत पूरी अमेरिका या इंडिया में भी बहुत ज्यादा। तो इंडिया में भी बहुत से लोग जो मेरे रिक्वेस्ट आई थी वीडियो पे, कितने लोग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पॉपुलैरिटी होगी इनकी, और होनी भी चाहिए। और नैन्सी जो मोमोलैंड है, मोमोलैंड का तो मतलब हम बता ही चुके हैं आपको, और नैन्सी ये अमेरिकन कोरियन डांसर है। हाँ, अमेरिकन कौन से डांसर है, बिकॉज इनके साथ से फादर अमेरिकन होंगे, मे बी, कन्फर्म नहीं, मे बी। हाँ, तो इसलिए अमेरिकन कोरियन ये डांसर है ये, और सिंगिंग भी करती हैं ये, पूरी पूरी आठ गर्ल्स का ग्रुप है। सो और बाकी वो भी पूरे ग्रुप को मोमोलैंड कहते हैं। वो उनके बाकी दो वो लड़के थे, वो भी एकदम मस्त अच्छा डांस कर रही थी, क्यूट लग रही थी वो। और इनकी बहुत, इनकी इससे भी अच्छी अच्छी और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर आप कहो तो उसका भी रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल देखेंगे गाइस, इनकी जो ऑफिशियल एमवी होती है, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, वेल हम उनका भी देंगे आप सभी को, उनपे भी मिलियंस ऑफ व्यूज आए उस पे। तो आप चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, आप सभी के लिए जरूर रिएक्शन लेके आएंगे। yes, और कैमरामैन का जैसे कि हमने कहा था, उसको भी शायद क्रश यही थे, इन्हीं को नोटिस किया जा रहा था। वेल वैसे ये नैन्सी के लिए दे रहे थे हम रिएक्शन का, इसलिए हाँ। फोकस नैन्सी पे ही था हमारा। वेल अगर आप चाहते हैं हम पूरी जो गर्ल्स हैं उनकी, उनपे भी पूरा रिएक्शन देंगे। बिल्कुल, जो ओरिजिनल होगा, जो ओरिजिनल होगा, अभी तो सिर्फ हमने नैन्सी के लिए दिया, तो बस उसके लिए था, बिकॉज इंडिया में इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी मुझे, हमें कि इनका रिएक्शन दो, तो हमने दिया। और हम आगे और भी रिएक्शन देंगे, अगर इस वीडियो रिस्पांस अच्छा आया तो हम जितने भी केपॉप के जो बैंड्स हैं, आप सभी जिसके भी पसंद है, आप अगर आप चाहते हैं तो हम उनका रिएक्शन आप सभी के लिए जरूर देंगे। और यदि अगर आप चाहते हैं कोई डिफरेंट टॉपिक बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी शो कर रही है, डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, वहां पर हमें बता सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके, और टिकटॉक पे ही फॉलो कर लेना, वहाँ पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दोनों आईडी शो भी डिस्क्रिप्शन में है। और हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और एनिमे से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल बनाते रहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो भी देख सकते हैं, और हमारे टॉप 10 भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे मैंने एनिमे का बताया था, एनिमे के भी कुछ वीडियोस हैं, तो आप जाके काफी वीडियोस देख सकते हैं, और हमारे रिएक्शन तो आप देखते ही सकते हैं। और यदि अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे स्कैरी चैलेंजेस करना ना भूलें गाइस, वो प्लीज आप जरूर देखिए, वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, हॉलीवुड लेवल के, हॉलीवुड लेवल के, वो भारतीय देश के अच्छे होते हैं। और रिएक्शन, और हाँ, इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा आया गाइस, अगर आप चाहते हैं, रियली में चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइस। और इनके बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आप हमें वो भी बताएं, हम आगे और भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे इनके बारे में, पूरे इनके ग्रुप के बारे में, और आगे बीटीएस के भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, इनके सॉन्ग्स, उनका भी रिएक्शन आने वाला है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली से, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन सबको शेयर कर सकते हैं, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपके लिए थोड़ा टिप्स लाते हैं। तो खैर दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।